खबर रीवा जिले से है, जहां चौराहा थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन में बीती रात ऑटो वाले ने श्रमिक को चाकू मारा। घटना में श्रमिक घायल हो गया। स्थानीय जनों के द्वारा घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच कर रही है। घायल से पूछताछ में लगी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार शहर में कबाड़ी मोहल्ला से ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन राजकोट ट्रेन से औरंगाबाद जाने के लिए निकले जीजा साले को रेलवे स्टेशन में ऑटो चालक ने अपना शिकार बनाया। पेट में चाकू मारकर युवक को घायल किया। इसके बाद घायल योगेश सिंह निवासी बिलहई थाना सिमरिया को गंभीर अवस्था में संजय गांधी में भर्ती कराया गया। हालांकि दोनों जीजा साले नशे की हालत में थे। घायल युवक का जीजा सोनू सिंह निवासी उलही कला थाना मनगवा ने बताया कि कबाड़ी मोहल्ले में मौसी के घर से वह ऑटो में सवार होकर रेलवे स्टेशन जा रहे थे। जैसे ही वे ऑटो से उतरे, ऑटो चालक ने उसके साले के पेट में चाकू मार दिया, जिसके बाद घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। कौन करते हैं? पता नहीं, हम देखने आए हैं। लगा क्या है? लगा क्या है? चाकू लगा है। कहाँ की राज बहादुर सिंह है। घटना ये रेलवे से जा रहे थे बाहर कमाने के लिए औरंगाबाद, तो इन्होंने बताया कि ऑटो वाला चाकू मार दिया इनको। कौन ऑटो वाला, क्या नाम? अब ऑटो वाला मुझे तो नहीं पता, शायद उनको भी नहीं पता कौन है। इतनी ऑटो चलती हैं, कैसे बता सकते हैं कौन है? नंबर घटना रेलवे स्टेशन के बाहर है। बस एक ही है, इन्हीं बस को लगा। हाँ, अभी वो ऑटो वाला ही मार के गया जो चलाता था ड्राइवर, यही बस एक ही है। क्या नाम है? योगेश सिंह नाम है। कहाँ के हैं? ये बहेरिया गांव के रहने वाले हैं। किस थाना अंतर्गत? ये थाना सिमरिया के अंतर्गत रहते हैं। औरंगाबाद जा रहे थे, औरंगाबाद में काम करते हैं चटाई प्लांट में। ऑटो ये कबाड़ी मोहल्ला है जो ऑटो वाले ने ही चक्कू मारा। हाँ, ऑटो वाले ने ही चक्कू मारा, ऐसा इन्होंने बताया है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम राज बहादुर सिंह है। जी हम भी बहेरिया के रहे। नीचे का यार रीवा राजकोट गाड़ी पर नाम था। हाँ, ऑटो वाले ऐसे धुआं के लिए मार दिया चाकू उसके। नहीं तो कबाड़ी मोहल्ले में क्या किए थे? दारू पिए थे आप लोग? दारू उसके घर में पिए थे, उसके मौके। किसके घर में उसको चाकू लगाया? क्या नाम उनका? उनका योगेश सिंह नाम, उनका मालिक नाम है। किसके घर में गए? नहीं, जिसको चाकू लगा उसका क्या नाम है? योगेश सिंह। आपका? सोनू सिंह। कहाँ जा रहे थे आप लोग? औरंगाबाद। काहे के लिए? कमाने। कमाने जा रहे थे। हाँ। कहाँ घर है आपका? मेरा घर है उलही कलम, उसका घर है क्या नाम है, बीड़ा से। बीड़ा से मरिया। घटना कहाँ की है? घटना ये रेलवे का है, रेलवे मोड़ की। हाँ। कौन मारा है? ऑटो वाला मारा है। पहचानते हो तुम उसको? पहचानता नहीं। और कौन था उसके साथ? कोई और था? ये बगल में बैठा। विवाद का कारण क्या था? मारा कौन है तुमको? ऑटो वाला मारा है कि बगल वाला? बगल वाला मारा है, ऑटो वाला नहीं। नहीं तो का कह रहे थे, कैसे विवाद हो गया? ये हमको नहीं मालूम। चाकू किस चीज के लिए मारा था? क्यों मारा था चाकू? क्या मालूम है? तो तुम भी बैठे थे ना ऑटो में? तो मैं उसके बगल में बैठा था ना। सुनाई दे रहा कुछ? कुछ मांग रहा था, लूट कर रहा था, पैसा छीना रहा था? कुछ पैसा ऐसा नहीं छीन रहा था, इससे पता नहीं कैसे चला। कहाँ पे मारा चाकू? उसके यहाँ पे मारा, पेट में। हाँ। तुमको नहीं मारा? नहीं, मैं तो उसके बगल में बैठा था उधर। कितने चाकू मारा है? एक। फरियादी अभी कुछ बोल नहीं रहा है, उसके नाक में कुछ नली लगी है। घटना क्या है, कैसे है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा। फरियादी से बात हो जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या घटना है। अभी चिकित्सकों ने मुझे कुछ नहीं बताया, जब वैसी रिपोर्ट दे देंगे तो मैं बता दूंगा आपको देख के। गंभीर है क्या सर? नहीं, अभी तो इशारों से बात कर रहा है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है।